नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। मैं सूबे की सभी आवाम को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर जात हर मजहब के और हर संप्रदाय के तमाम लोगों को प्रणाम करता हूं। और आज साल का अंतिम दिन है, नए वर्ष की शुरुआत होने वाली है, आने वाले नए वर्ष के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। डीजीपी ने महिला सशस्त्र वाहिनी के 407 नए प्रशिक्षु कांस्टेबल का पासिंग आउट परेड में भाग लिया है। मैं संजना भारती के साथ राहुल मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। आज सासाराम में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने महिला सशस्त्र वाहिनी के 407 नए प्रशिक्षु कांस्टेबल का पासिंग आउट परेड में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने महिला बटालियन में ट्रेनिंग कांस्टेबलों का परेड का निरीक्षण किया। बता दें कि सासाराम स्थित महिला बटालियन प्रशिक्षण केंद्र में इन सभी महिला कांस्टेबल को प्रशिक्षण दिया गया है। ये अब प्रशिक्षित होकर बिहार के विभिन्न जिलों में पदस्थापित की जाएंगी। इस अवसर पर एसपी सत्यवीर सिंह के अलावे डीआईजी राकेश राठी भी उपस्थित हुए। इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि यहां से प्रशिक्षण लेकर निकली महिला पुलिस के जवान आज बेहतर काम कर रही हैं। किसी भी मायने में पुरुषों से कमतर नहीं है, वह महिला पुलिस कर्मियों के कार्य से काफी संतुष्ट। सर, सासाराम बीएमपी में हाँ पारंपरिक का आयोजन किया गया था। देखिए, महिलाओं के पुलिस बल में आने से पुलिस की संवेदनशीलता बढ़ी है। ये बिहार सरकार की नीतियों के चलते आज 37% महिलाएं बिहार पुलिस बल में आ रही हैं, और वो किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं है। और अभी तक जितनी महिलाएं आई हैं अधिकारी या सिपाही वर्ग संपर्क में, उनके परफॉर्मेंस को देखने से ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनसे बहुत अधिक उम्मीद है, मैं इनका मनोबल बढ़ाने आया। थैंक यू सर।